कि अगर दोस्तों आप भी कोई डिजाइन बनवाना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये डिजाइन है, इस टाइप का कोई भी डिजाइन, तो दोस्तों आप हमसे बनवा सकते हैं बेसिक छोटा सा। चलिए मैं इस डिजाइन के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे जो हमारा डिजाइन है, ये दोस्तों एक बिल्कुल छोटे से एरियाज के लिए है। यहाँ इसका एरिया है, इसकी लंबाई है 30 फीट, तो जो है इसकी चौड़ाई है दोस्तों, और जो इसकी लंबाई है वो है 39 फीट। ठीक है, तो इस छोटे से एरिया में हमारे पास ये इस टाइप का ओपन एयर, यहाँ पे देखिए बिल्कुल पीछे से खुला, आप एक छोटा सा घर बना सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके का। ठीक है, यहाँ इसके बारे में आपको दिखाऊंगा कंप्लीट आपको कि कैसे अंदर क्या क्या है, कितने रूम है। ठीक है, फ्रंट में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे फ्रंट में आपका ड्राइंग रूम है, यहाँ पे आपकी जो है माउंटी है, यहाँ पे देखिए जो फ्रंट है यहाँ से सीढ़ियां चढ़ी हुई है, और डायरेक्टली आप पार्किंग के तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे गेट है, ये जो गेट है आप इसको यूज कर सकते हैं जब भी आपको बाहर अंदर जाना हो, और ये जो गेट है जब भी आप इसको गाड़ी वगैरह अंदर करनी हो तो यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऊपर भी जो हमारे पास एक रूम है ड्रॉइंग रूम की तरह, ठीक है, उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ से स्टाइलिश जो है इसकी जो रूफ है वो बनाई हुई स्टाइल में आप इसको यहाँ से बनवा सकते हैं। यहाँ पे आगे जो गैलरी हमारी इसकी माउंटी है, माउंटी के अंदर ग्लास लगवा सकते हैं, स्टाइलिश जैसा भी आपको सूटेबल लगे वो बनवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ऊपर की जो छत है वो भी यहाँ पे थोड़ी स्टाइलिश है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल ओपन है, जो ये गैलरी हमारे पास, गैलरी की जो छत है वो ओपन है पूरी की पूरी, यहाँ से ऊपर से लेके। ठीक है, इस तरीके की छत जो है आप बनवा सकते हैं यहाँ पे। और चलिए इसके बाद जो अंदर का पोर्शन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं अंदर का जो हमारा सेक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे एक रूम था, मैंने बताया था आपको, ये एंट्रेंस है, यहाँ पे एंट्रेंस के लिए गेट है हमारा, और यहाँ से जो सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाएंगी, माउंटी बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो हमारे ड्रॉइंग रूम है इसके पीछे किचन है, उसके बाद एक रूम है, क्योंकि एरिया बहुत कम है, 39 फीट है सारा ही। ठीक है, जिसमें से दीवारें भी चली गई है 9-18, लगभग 37 फीट एरिया है बच जाता दीवारों के बाद। तो यहाँ इसके बाद आप इसमें एक, सॉरी यहाँ पे किचन नहीं है, दोनों रूम है, यहाँ पे जो हमारा ड्राइंग रूम हो गया, बैठक बोल सकते हैं जिसको, ये फिर दोनों रूम है जो बेडरूम में यूज कर सकते हैं आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो हमारी ये है किचन दोस्तों, यहाँ पे किचन के बाद आप लास्ट में जो ओपन एरिया था हमारा, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, जो ओपन एरिया मैंने रखा था लास्ट में, यहाँ से ये बाथरूम है, लास्ट में आप इसको एज ए बाथरूम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप चाहें तो देखिए अपने घर में जैसा आपका माहौल हो उसके हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं, एज ए टेम्पल यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे अलमारी वगैरह जो कुछ भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं साथ के साथ, बिल्कुल छोटा सा और अच्छे लुक वाला जो है आप घर यहाँ पे बना पाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा मैं फिर आपको ऊपर करके दिखाता हूँ। ये हमारा जो पहला पोर्शन था, यहाँ तक देखिए इस तरीके का बनेगा जो हमारा पहला पोर्शन था। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पोर्शन है वो चलिए यहाँ पे देखिए इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे सेकंड पे फिर रूम है, यहाँ पे देखिए जो हमारी माउंटी है, यहाँ से आपको ठीक है इस तरीके का लुक मिलेगा, यहाँ से सीढ़ियाँ आएगी ऊपर और यहाँ से हम। ठीक है, तो दोस्तों काफी अच्छा आप बनवा सकते हैं ऐसा। ठीक है, उसके बाद आप इसको थोड़ा सा और ऊपर करके देखें यहाँ तक। ठीक है, ये रहा, इसको थोड़ा सा नीचे हम करके देखेंगे यहाँ से छत तक, देखिए इस तरीके का ये जो है बन जाएगा। और दोस्तों बनने के बाद मैं आपको इसका, आप जो लुक देखेंगे वो काफी अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, यहाँ तक देखिए, तो दोस्तों ये बिल्डिंग है जो आप बिल्कुल छोटे एरिया में बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको दोस्तों ये बिल्डिंग पसंद है तो आप इसी टाइप का साइज जो है स्टाइल बना सकते हैं। अगर देखिए एक बात तो मैं आपको बता दूं, आपने अगर बिल्डिंग का स्टाइल देख लिया तो आप खुद भी ऐसा डिजाइन जो है अपने जो मिस्त्री है उसको दिखाकर बनवा सकते हैं। अगर दोस्तों फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डायरेक्टली डिजाइन बनवा सकते हैं। हाँ, उसके लिए देखिए आपको कुछ ना कुछ पे जरूर करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ जो भी हमारा यूट्यूबर है, जो हम हमारे वीडियोज को देखता है, जो हमारे संपर्क में है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक काफी डिस्काउंट दिया है। अगर वो हमसे कोई भी डिजाइन बनवाता है, ऑनलाइन हम डिजाइन बनाएंगे उनका,
या डिजाइन बना के भेज देंगे जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। हमें साइज बताएं सबसे पहले, देखिए जब भी आपको कुछ डिजाइन बनवाना हो उसका फेस बताएं, किस फेस में उसकी लेंथ कितनी है, आपके स्ट्रीट जो है कितनी चौड़ाई पे है, साइड लेफ्ट या राइट को स्ट्रीट लगती है, आपके दोनों साइड या आगे पीछे सॉरी पीछे या लेफ्ट और राइट बिल्डिंग बनी हुई है, कितनी हाइट तक उनकी बिल्डिंग है, आपके पास एरिया कितना है, कितना एरिया बनाना चाहते हैं और कितनी मंजिल तक आप उसको बनवाना चाहते हैं, और उसके बाद कितने रूम चाहिए आपको, कितने रूम अटैच बाथरूम टॉयलेट के साथ चाहिए, कितने ओपन रूम चाहिए, कितना जो एक या फिर सभी के लिए एक ही बाथरूम चाहिए, तो ऐसी चीजें आप जरूर बताएं कि आपको ये बनवाना है। और अगर आप बनवाना चाहते हैं तो दोस्तों बिल्कुल निश्चित आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं, जो कुछ भी आपको बनवाना है वहां पे आप लिखें, उसके बाद जो हमारा पेमेंट सिस्टम है उसके बारे में हम बात कर लेंगे, अगर जिसको भी बनवाना है।